बात कर रही थी। देखिए, मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ आपसे कि आजकल जम्मू के रीजन में ये बढ़ गया है। अभी आप देखिए, डोडा में था, आज रजौरी में हुआ है फिर से, और एक सिपाही शहीद हो गया है। ये चीजें अफसोस किस बात इस बात का है कि दोनों मुल्कों में ये कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि अमन आए। मैं समझता हूं, मेरे ख्याल से उनकी खिचड़ी पकती है जब ये तनाज़ा चलता रहे। कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को भी कि ये चीज ना हो और ये बंद हो जाए, कि हम लोग रहना चाहते हैं अमन में। और अमन बिगड़ जाता है, आज देखिए कितनी और फौजें लाई गई हैं, करीबन करीबन 7,000 से ज्यादा जायद हमारे फौजियों को और से लाया गया है इन पहाड़ी इलाकों में। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप अमन पर, पीस प्रोसेस पर काफी स्ट्रेस दे रहे हैं, लेकिन शायद ये पॉसिबल नहीं है वहां से जो इन्फिल्ट्रेशन लगातार हो रही है, ऐसे माहौल में डायलॉग प्रोसेस कोई गुजारिश है? इसीलिए मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार नहीं होगी, कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार नहीं है जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा। तो हम कितना भी चलाए उससे कुछ नहीं होने वाला है। सर, अनफॉर्चुनेटली द ऑर्डर इशूड बाय यूपी गवर्नमेंट अबाउट कंवर यात्रा, जो वहां पर जितने भी फूड कोर्ट, ये मैं समझता हूं बहुत गलत किया उन्होंने। पहले भी यात्रा चलती थी, अमन से चलती थी, वहां कोई भी रेस्टोरेंट हो, कोई होटल हो, क्या उनको जरूर लिखना है कि यह मुसलमानों का है, उसका नाम देना है? ये क्या कर रहे हैं, किस नफरत की तरफ चल रहे हैं? वो आज से नहीं, सदियों से ये चल रहा है। वो गंगा का पानी ले जाते हैं अपने घरों की तरफ, और एक ये त्योहार चलता रहता है, और कभी ऐसा ऑर्डर मैंने नहीं देखा। ये कोशिश कर रहे हैं कि तनाज़ा और बढ़े और मुसलमानों और हिंदुओं में तफरुका और बढ़ जाए, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी ये साजिशें जो है ये कामयाब नहीं होंगी। पिछले इलेक्शन में दिखा दिया, इन्हीं वजहों से ये हार गए, उन जगहों पे हार गए जहां पे इनको उम्मीद नहीं थी हारना। आप देखिए, जहां हिंदू मुसलमान रहते हैं, वो राम मंदिर का इनने इफ्तिताह किया, वहां पे हार गए, अयोध्या में हार गए। फिर देखिए वो उत्तराखंड में, वहां पे भी जो बद्रीनाथ का मंदिर है उस इलाके में हार गए। ये दिखाता है कांवर यात्रा पर ऑर्डर निकालना, वो इनकी एक जो प्लानिंग है वो सीधा इंडिकेट करती है, बिल्कुल इंडिकेट करती है कि नफरत पैदा करना चाहते हैं। मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान के लोग अब काफी समझ गए हैं कि नफरतों से हिंदुस्तान बढ़ेगा नहीं, हिंदुस्तान मोहब्बत से बढ़ेगा, और मोहब्बत से ही हम लोगों को आगे चलना है। और मैं कहूंगा इनसे, यूपी की हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि ऐसे कानून वापस ले लीजिए, नफरत कायम मत कीजिए। जो हमारे यहाँ अटैक से भी आपने जम्मू की बात की है, क्या उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पड़ेगा, जो असेंबली इलेक्शन की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे शायद नहीं होगा? देखिए, हमने 96 में, जबकि इससे ज्यादा आतंकवाद था, ग्रेनेड और क्या क्या नहीं होता था, कितने लोग मारे जाते थे रोज, हमारा इलेक्शन हुआ, हमने हुकूमत बनाई और बड़ी कामयाबी से 6 साल उस हुकूमत को चली, यहां के लोगों की मुश्किलात को दूर किया। आज तो इतना हाल नहीं है, ये तो इनकी कमजोरी होगी अगर ये इलेक्शन नहीं करेंगे। तब ये इनने फिर अपना जो है, वो जो कहते थे यहां अमन है अमन है, तो इनका तो फिर वो सब ढोंग जो है खत्म हो जाएगा। अपनी तरफ से यहाँ ऑलमोस्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज रेडी है, ऑलरेडी इनकी खुद की पार्टी रेडी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।